Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या मतलब? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बात में सब बता दूंगा। देखो छोटे मोटे करेक्टर इससे भी करवा सकते हो, इस तरह ये भी खुश रहा करेगी। जी सर, मैं कर लूंगा सारा, सर कर लूंगा सर। वन थिंग विच आई कांट अंडरस्टैंड कि तुम इतनी समझदार हो, उसके बावजूद तुम अनिल की बातों में आ गई। औरत कितनी ही समझदार या ज़हीन क्यों ना हो, मर्द की चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाती है। वैसे एक बात है कि अनिल ने बड़ी चालाकी से पावर ऑफ अटॉर्नी पे तुमसे साइन दिया। पर मनोज, मेरा घर बिकने से बच तो जाएगा ना? डोंट वरी, मैं ऐसा करूंगा कि कल जाके ना स्टे ऑर्डर ले लूंगा, ठीक है? इस वक्त कौन आ गया? अब मैं देखती हूँ। देखो भाई, सीन ये है कि तुम लोग बैठे हो कार के अंदर, ठीक है, और ये लड़की घर से निकल के आई और तुमने किसी भी बहाने से ऐसा समझो जैसे एड्रेस पूछने के लिए बाहर निकली और उससे एड्रेस पूछ लो। जब वो एड्रेस बता रही हो तो तुम ये रुमाल जिसमें हमने बेहोशी की दवा लगा रखी है तो उसके नाक पर लगा देना, ठीक है? बाकी ये काम इनके आदमी कर लेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल करना, ये सारा सीन वन गो है, इसमें रीटेक की गुंजाइश नहीं है। कर लोगी ना? कर लूंगी। गुड, मैंने कहा था ना तुमसे, कर लेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई सरपंच जी कि आप मुंह उठाए इस तरह यहां चले आए? जुई की बड़ी भाग्यशाली नारी है, है? हर बार तेरी मदद को कोई ना कोई बुद्धिमान खड़ा होता है। मोहन जी, इस बार आपकी दाल नहीं। अगर दाल नहीं गली तो हम कोई सब्जी पका ले। वैसे वकील बाबू, ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, इसमें ऐसी हजारों चालें हैं जो चूल्हे पे पकती रहती है। वकील बाबू, नाग देवता के पुजारी हैं हम, ऐसे सांपों से नहीं डरते हैं, ना भागते हैं। देखे सरपंच जी, आप यहां से चले जाइए। हाँ, चले जाएंगे। लेकिन तुझे एक चेतावनी देनी है कि ये तो मेरी पहली चाल थी, और अगर तूने अब भी मेरा कहना नहीं माना तो फिर तू ऐसे फेरे मार जाएगी कि तुझे ये वकील बाबू भी नहीं बचा सकेगा। आपसे जो होता है मोहन जी कर लें, हम भी तो देखें कि आपके इस राक्षस शरीर में कितना दम है। वकील बाबू, तुम हमारी ताकत का अंदाजा थे, हैं? तुम मेरी जहानत से ना वाकिफ हो मोहन जी, जा अपनी ताकत के बलबूते पर जो कुछ कर सकते हो कर लो। चल देख लेंगे तुम्हें भी। हेलो, कैसी हो राबी? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो बाय गॉड, हीरे की अंगूठी तुम्हारी हुई। नहीं जी, सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। पहचान भी कैसे सकती हो? अरे भाई, हम आज तक मिले ही नहीं है ना। सॉरी, रॉन्ग नंबर।
जिंदगी ने क्या अजीब खेल खेला है तुम्हारे साथ मनोज। क्या तुमने कभी सोचा था कि जूही एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी? लेकिन वो तो अनिल की। क्या तुम इस बार इकरार मोहब्बत कर सकोगे या एक बार फिर ये कहानी अधूरी रह जाएगी? कब तक चलेगा ऐसे? मैं लड़की होकर परेशान नहीं हो रही, और तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम बुजदिल हो, मैं डरता हूं तुम्हारे बाप और भाई से। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सईद, तुम खुद भी तो सोचो ना कि बेजार हो गया हूं मैं इस तरह यहां रहकर। आखिर कब तक छुपे रहेंगे हम इस तरह? वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, और तुम खुद सोचो कि अगर हम उनके हाथ लग गए तो। इस तरह छुपे रहने से बेहतर है कि क्या क्या बेहतर है? देखो सिगरा, यूं मैं बुजदिलों की तरह छुपकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। शादी की हमने, कोई गुनाह नहीं किया। रिलैक्स सईद, मैं बात कर रही हूं ना मैडम से। तुम्हारी मैडम से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तुम परेशान नहीं, मैं उनसे बात करती हूं। अरे आप आइए। जूही, ये पार्वती मौसी हैं। मौसी, ये है जूही। नमस्ते। नमस्ते। ये तो बहुत सुंदर है। वो मैंने सोचा कि तुम घर में अकेली रह गई हो तो मौसी को तुम्हारे पास छोड़ दूं। तुम्हें बताया इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि तुम मना कर दोगे। अरे मैं क्यों इनकार कर देती, मैं तो जानती हूँ कि तुम मेरे। मैं चलता हूँ, वो सुबह कोर्ट भी जल्दी पहुँचना है। मौसी ख्याल रखिएगा इसका। मनोज तू बिल्कुल चिंता ना कर, थोड़ी देर तो रुक जाते, मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ। वो दिल तो बहुत कर रहा था लेकिन फिर सही। कैसा है जेनी तुम? How are you, papa? Oh, I am fine. तुम सुनाओ, उधर everything okay? Everything is okay.
पीटर आया था तुमको मिलने के वास्ते? नहीं, एक्चुअली वो अभी हम इधर आने से पहले उसको फोन किया था, उसने बोला था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो तुमसे मिलेगा। पापा, I'm all alone here. When are you guys coming back? अभी कुछ दिन तो और लगेगा। मॉम किधर है? वो शॉपिंग के वास्ते गया है और फिर चर्च जाके वापस आ जाएगा। पापा, I'm very alone. I miss you. कैसा बात करता है? उधर पीटर तो है ना? तुम उसके पास चली जाओ। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, देर हो रही है। ओके बाय। ओके ओके, बाद में बात करते हैं। टेक केयर। आपने बताया नहीं कि आपको क्या काम है हम लोगों से? ये मकान जिसमें आप बैठी ये मेरा है, पूरे 2 करोड़ में खरीदा है मैंने। धोखे से बेचा इस मकान को अनिल ने। मुझे तो ये सारी मिली वक्त मालूम देती है। पैसे चोर ने दबा लिए और बीवी मकान पे कब्जा जमाए बैठी है। जब आप खरीद रहे थे उस वक्त मालूम नहीं किया था आपने? अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्या लेने के लिए आए? अब आपका और मेरा फैसला कोर्ट में होगा। देखो जूही, मैं तुमसे कोई झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे ये मकान भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरी रकम मुझे वापस कर दो। आपने वो रकम अरशद के जरिए अनिल को दी थी, मैं कहाँ से लाके दूँ? अनिल तुम्हारा शौहर है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी तुमने उसे। अनिल से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है और उसके पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो जाली थी। आप जाके उस स्टेट एजेंट अरशद को क्यों नहीं पकड़ते? वो भी इस सारे फ्रॉड में बराबर का शरीक है। हाँ, और उन दोनों को पुलिस के हवाले करें। मेरे बेटे ने कहा था कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी, मगर मैंने कोशिश की बातचीत से मामला हल हो जाए, मगर अब देखिए आप शराफत से यहाँ से चली जाइए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। प्लीज। मेरी बात समझ नहीं रहे हो सईद। इसके बाप भाई बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, 2 बार मेरे स्कूल जा चुके हैं, यहाँ तक कि वो राबिया के घर भी गए और मेरे घर भी पुलिस आई थी। तुम खुद सोचो कि अगर तुम उनके हाथ लग गए तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। यही बात तो मैं इसको समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों की तरह जिद ही किए जा रहा है। मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन कुछ नहीं समझते तुम, मुश्किल में पड़ जाओगे। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक उनको ये नहीं पता कि सिद्रा है किसके साथ। मैडम, मैं इन सब बातों से इनकार नहीं करता, लेकिन आप नहीं समझती। आखिर कब तक ये बात छुपी रहेगी उनके घर वालों से कि सिद्रा मेरे साथ है? और जैसे उनको पता लगेगा वो लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे। क्या चाहते हो तुम? मैडम, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी बहन मेरे मामों के घर पिंडी पहुंच जाए। जब तक वो लोग यहाँ रहेंगे मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, करते हैं कुछ। और देखो भाई, आई एम सॉरी, ये जगह रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हालात खराब है तो तुम लोगों को कुछ दिन यहाँ रहना पड़ा। तरह मुंह लटकाकर बैठने का क्या फायदा? हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम जेल जाने से बच गई। वो तो ठीक है मौसी, पर मैं इस मोहन कुमार का क्या करूं? आजिज आ गई हूं मैं उससे, न जाने किसका भेजा है उसके दिमाग में, हर वक्त तरह तरह की साजिशें करता रहता है। कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ।
नमस्ते देवी जी। ये लो, राक्षस का नाम लिया और राक्षस के दर्शन हो गए। लगता है देवी जी कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों की गठरी कुछ ज्यादा भारी है, तभी तुम जागते हुए खुली आंखों से ख्वाब देखती रहती हो। नमस्ते जूही वर्मा। आप तो बहुत बेशरम है मोहन कुमार। जिसने की शरम उसके फूटे करम। जूही वर्मा, हम तो बनी की औलाद है, जहां भी धन दौलत की खुशबू सूंघते हैं मीलों पहुंच जाते। अब यहां क्या करने आए हो? जूही वर्मा, अपनी दौलत में से एक हिस्सा अगर मुझे दे दे तो भगवान की सौगंध, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। अगर मैं आया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ठीक है, आप इस समय यहां से चले जाइए, हम इस पे बाद में बात करेंगे। बाद में? हाँ बाद में, ठीक है, धन्यवाद। इतने छोटे कैमरे से रिकॉर्डिंग करेंगे? दरअसल यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है ना, इसलिए हमने ये छोटा कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा ऑन है ना, सब कुछ तैयारी है। वो दूसरी बारी लड़की जिसने रिकॉर्डिंग करनी थी रूबी, वो भी नहीं आई अभी तक। दूसरों की फिक्र छोड़ो जवेरिया, तुम अपना सोचो। तुमने कोई गलती नहीं करनी है, कोई दूसरा मौका नहीं है, सिंगल टेक है सिंगल, ये मुझे बता दे। ये रुमाल रख लो तुम, ये उसके मुंह पे लगा देना, ठीक है? आगे आगे जवेरिया, वो तो कुवार। काम कर लिया, निकला। जेनी, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया है? किसी की जिंदगी बर्बाद करके क्या तुम सुकून से रह सकोगी? मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह है। जो शख्स अपनी बीवी छोड़ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। खावर मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। आई डोंट केयर। हेलो खावर, तुम तो रूही बानो और उज्मा गिलानी की पाई की एक्ट्रेस हो। क्या एक्टिंग थी तुम्हारी, खुदा की कसम। एक बार तो मैं भी धोखा खा गया। अच्छा ना, बस अब ज्यादा ना बनाओ मुझे। ओ नहीं नहीं, ये बनाने की बात नहीं है, मैं झूठ मूठ ही कह रहा हूँ यार। चरासी में तुमने एक्टिंग के भाई, मैं बात करूंगा ताबी साहब से तुम्हारी। अच्छा सुनो, बहुत जोर से भूख लग रही है और बाहर बहुत अच्छी बिरयानी छोड़कर आई हूँ, कुछ खिला तो दो। चलो, तुमने भी क्या बात की,
तुम्हें आज पिज्जा खिलाती हूं। तुम भी कहोगी किस रही से पाला पड़ा। नमस्ते, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? हाँ वो मैं कोर्ट जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं, वो आज वो उसकी स्टे की पेटिशन जमा करानी थी। अच्छा अंदर तो आओ। लेकिन तुम इन कपड़ों में जा रहे हो? पकड़ा गया ना, वो एक्चुअली मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो हर दफा जब झूठ बोलता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, बैठो। एनीवेज नाश्ता करोगे? और अगर मैं ये कहूँ कि मैं नाश्ता ही करने आया हूँ तो? तो ये बोलो ना कि भूखे हो, खाना खिला दूं। मैं तो बरसों का भूखा हूं देवी जी। तुमने शादी कर ली? तुम्हारे इनकार के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी और का हाथ मांगता। I'm so sorry, मनोज। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं था इसलिए तुमने जो फैसला किया ठीक किया। पर मेरे इस फैसले से तुम्हारा दिल टूट गया था। बड़े बड़े कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। वो नाश्ता? हाँ अब मैं अभी बनाती हूँ। वेल्टन वेल्टन, मौजम बता रहा था कि कल रात तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छे बुरे का तो मुझे पता नहीं, बस जो उन्होंने कहा मैंने कर दिया। गुड, जो लोग हदायत पर आंखें बंद कर अमल करते हैं बहुत तरक्की पाते हैं, तुम भी तरक्की करोगी। कल 3 बजे मौजम को फोन कर लेना, तुम्हारे लिए एक और करेक्टर है। थैंक यू। वैसे इस सीन में मेरे लिए करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। वो किसी ड्रामे का सीन नहीं था, बल्कि तुम एक लड़की के अगवा में उन लोगों की शरीकेकार थी। जी क्या मतलब? अगवा? आप? वो लड़की मेरे को प्रोड्यूसर की बेटी है, हमारे कारोबारी इख्तिलाफ थे, वो मान नहीं रहा था। मैंने उस लड़की को तुम्हारी मदद से जबरदस्ती अपना मेहमान बना लिया। आपने मुझसे झूठ बोला? जुर्म जुर्म करवाया आपने मुझसे? अपने मतलब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये तो एक छोटा सा नमूना था। मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। मैं मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लड़की अभी तक तुम्हारी शक्ल भूली नहीं होगी। हो सकता है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी हो और तुम्हारा हुलिया बता दिया। मेरे साथ अच्छा नहीं किया? मैंने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, खुद अपने साथ भी नहीं। Oh,
तुम्हें तो कुछ कहना या सुनना बेकार है मोहन। तो कहने सुनने की जरूरत ही क्या है मौसी। अच्छा मोहन, तुम बाद में आना, जूही अभी घर पर नहीं है। तो मैं यहाँ जूही से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। क्यों, फिर कोई नया ख्याल आ गया क्या दिमाग में? देखो मौसी, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम और वो वकील बाबू यहां शहद चाटने आए हो, और तुम्हारा शहद माया है और वकील बाबू का है जूही। देखो मोहन, तुम इस समय यहां से जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने। मौसी, मुझसे हाथ मिला लो, भगवान के सौगन बहुत फायदे में रहोगी। देखो मोहन, अगर जूही ने देख सुन लिया तो। परंतु तुम ही तो कह रही हो कि जूही बाहर गई हुई है। गई है ना? बाहर गई है, लेकिन है तो इसी शहर में ना, उसको आने में समय नहीं लगेगा। ठीक है जाता हूँ जाता हूँ। मेरी बात अच्छी तरह समझ ली ना आपने? हाँ अच्छी तरह समझ लिए। नमस्ते। तुम जाओ। ठीक है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मौजम ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। मौजम साहब तो बादशाह आदमी है सर, उनका क्या है, वो तो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर सकते। वो हमारे काम की है भी या? सर मैंने रात को उसकी एक्टिंग का वो नमूना देखा है सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ रात में वो बिल्कुल मुख्तलिफ औरत होती है। सर मेरा तो ख्याल है कि वो हमारे बहुत काम आएगी। देख लो मुख्तार, फजूल और बेकार लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सर इससे पहले कभी आपको शिकायत का मौका मिला है सर? इसीलिए तो मैं तुम्हारी सुन लेता हूं। अब तुम जाओ। मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे मासूम बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। खबर अपनी सगी बहन को सड़कों पे ले आए हो, भेड़ियों के पीछ डाला है तुमने। मैं तो इसे समझा समझा के हार गई हूँ जूही बेटा। अब तुम अगर इसे राजी कर दो ना, तो मैं इसका विवाह तुरंत कर दूँ। मौसी, तुम्हारी मन की आशा ये पूरी नहीं कर सकती। भगवान ना करे, मुझे पक्का विश्वास है ये जरूर तुम्हें राजी कर लेगी। वो मैं आपको बताना था कि बस सुन चुका हूं जो आज बदतमीजी की है तुमने, वो तो मौसम ने बर्दाश्त किया है, वरना वो तुम्हें उठवाकर बाहर फेंकवा देता। झूठ बोल रहा है वो, बकवास करता है, उसने मेरी इंसल्ट की है। हो क्या तुम, क्या हो तुम? प्यार की धुन में दूर गगन। ATV, सारे रंग हमारे।